हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, सो लेट्स स्टार्ट। ऑल ऑफ अस ब्रीथ टू लिव, बट व्हाई इज ब्रीथिंग सो एसेंशियल टू लाइफ? व्हाट हैपेंस व्हेन वी ब्रीथ? ऑल्सो डू ऑल लिविंग ऑर्गेनिम्स इंक्लूडिंग प्लांट्स एंड माइक्रोब्स ब्रीथ? इफ सो हाउ? हम सभी को जीने के लिए ब्रीथ की रिक्वायरमेंट होती है। हम लोग सांस लेते हैं, लेकिन सांस लेना हमारे जीने के लिए क्यों ज़रूरी होता है? और ऐसा क्या होता है जो हम सांस लेते हैं? सभी लिविंग ऑर्गेनिम्स, यहाँ तक कि प्लांट्स और माइक्रोब्स भी ब्रीथ करते हैं, मतलब कि सांस लेते हैं। अगर ऐसा सब होता है तो वो सब कैसे होता है? ऑल लिविंग ऑर्गेनिम्स नीड एनर्जी फॉर कैरिंग आउट डेली लाइफ एक्टिविटीज़, बीट एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्ट, मूवमेंट, रिप्रोडक्शन और इवन ब्रीदिंग। सभी लिविंग ऑर्गेनिम्स को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब कि ज़रूरत पड़ती है डेली लाइफ एक्टिविटीज़ करने के लिए, जैसे कि एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्ट, मूवमेंट, रिप्रोडक्शन और यहाँ तक कि ब्रीदिंग। वेयर डज ऑल दिस एनर्जी कम फ्रॉम? ये सारी एनर्जी कहाँ से आती है? वी नो वी ईट फूड फॉर एनर्जी, बट हाउ इज़ दिस एनर्जी टेकन फ्रॉम फूड? हम जानते हैं कि हम भोजन करते हैं एनर्जी के लिए, लेकिन ये एनर्जी फूड से हमें कहाँ से मिलती है? हाउ इज़ दिस एनर्जी यूटिलाइज्ड, और इस एनर्जी को कैसे यूज करते हैं? डू ऑल फूड्स गिव द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी? क्या सभी फूड सेम अमाउंट में एनर्जी देते हैं? डू प्लांट्स ईट? क्या प्लांट्स भी ईट करते हैं, मतलब कि खाते हैं? वेयर डू प्लांट्स गेट देयर एनर्जी फ्रॉम? प्लांट्स कहाँ से अपनी एनर्जी लेते हैं? एंड माइक्रो ऑर्गेनिम्स फॉर देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट, डू दे ईट फूड? और जो माइक्रो ऑर्गेनिम्स होते हैं वो अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए, क्या वो भी फूड ईट करते हैं? You may wonder at the several questions raised above. They may seem to be very disconnected, but in reality, the process of breathing is very much connected to the process of release of energy from food. Let us try and understand how this happens. आप सब चिंता में होंगे कि ऊपर जितने भी questions उठे हैं ये बहुत ज़्यादा disconnected, अलग अलग नज़र आ रहे हैं, लेकिन रियलिटी में जो ब्रीदिंग की प्रोसेस होती है बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होती है एनर्जी रिलीज होने की प्रोसेस से, जो कि फूड से रिलीज होती है। अब हम कोशिश करते हैं और समझते हैं कि ये सब कैसे होता है। ऑल द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर लाइफ प्रोसेस इज ऑब्टेन्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ सम मैक्रोमोलिक्यूल्स दैट वी कॉल फूड। जितनी भी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है लाइफ प्रोसेसेस के लिए, उसे हम लोग फूड को के ऑक्सीडेशन से पाते हैं एनर्जी को। Only green plants and cyanobacteria can prepare their own food by the process of photosynthesis. They trap light energy and convert it into chemical energy that is stored in the bonds of carbohydrates like glucose, sucrose and starch. सिर्फ green plants और cyanobacteria ही खुद का food prepare करते हैं photosynthesis की process के through. ये light energy को trap करते हैं और उसे chemical energy में convert कर देते हैं, और फिर जो केमिकल एनर्जी होती है वो कार्बोहाइड्रेट्स के बॉन्ड्स में स्टोर्ड हो जाती है। कार्बोहाइड्रेट्स जैसे कि ग्लूकोज, सुक्रोज, स्टार्च। वी मस्ट रिमेंबर दैट इन ग्रीन प्लांट्स टू नॉट ऑल सेल्स, टिश्यूज एंड ऑर्गन्स फोटोसिंथेसाइज। हमें ये याद रखना चाहिए कि ग्रीन प्लांट्स में भी सभी सेल्स, टिश्यूज और ऑर्गन्स फोटोसिंथेसिस नहीं करती। ओनली सेल्स कंटेनिंग क्लोरोप्लास्ट दैट आर मोस्ट ऑफन लोकेटेड इन द सुपरफिशियल लेयर्स कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। सिर्फ वही सेल्स फोटोसिंथेसिस करती हैं जिनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, और ये ज़्यादातर सुपरफिशियल लेयर्स में लोकेटेड होती हैं। हेंस इवन इन ग्रीन प्लांट्स ऑल अदर ऑर्गन्स, टिश्यूज एंड सेल्स दैट आर नॉन ग्रीन नीड फूड फॉर ऑक्सीडेशन। इसी वजह से जितने भी ग्रीन प्लांट में बाकी के अदर ऑर्गन्स, टिश्यूज और सेल्स होते हैं जो कि नॉन ग्रीन होते हैं, उन्हें फूड की जरूरत पड़ती है ऑक्सीडेशन करने के लिए। हेंस फूड हैज़ टू बी ट्रांसलोकेटेड टू ऑल नॉन ग्रीन प्लांट। इसी वजह से फूड को ट्रांसलोकेट किया जाता है बाकी के सभी नॉन ग्रीन पार्ट में प्लांट्स के। एनिमल्स हेटरोट्रॉपिक होते हैं, ये ऑब्टेन करते हैं फूड को प्लांट से डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। सेफ्रोफाइट्स लाइक फंजाई आर डिपेंडेंट ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। सेफ्रोफाइट्स जैसे कि फंजाई हो गई, ये डेड और डिकेइंग मैटर पे डिपेंडेंट होती हैं। वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिकोगनाइज इज दैट अल्टीमेटली ऑल द फूड दैट इज रिस्पायर्ड फॉर लाइफ प्रोसेसेस कम्स फ्रॉम फोटोसिंथेसिस। हमें ये समझना जरूरी है और रिकोगनाइज करना भी जरूरी है कि अल्टीमेटली जितना भी सारा फूड है जो हम रिस्पायर करते हैं लाइफ प्रोसेसेस के लिए, वो हमें फोटोसिंथेसिस से मिलता है, मतलब कि यहाँ पे प्लांट्स की बात हो रही है। दिस चैप्टर डील्स विद द सेलुलर रेस्पिरेशन और मैकेनिज्म ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड मटेरियल्स विद इन द सेल टू रिलीज एनर्जी एंड द ट्रैपिंग ऑफ दिस एनर्जी फॉर ATP सिंथेसिस। ये जो रेस्पिरेशन प्लांट चैप्टर है, ये डील करता है सेलुलर रेस्पिरेशन के साथ में, या तो फिर जो भी फूड मटेरियल के ब्रेकडाउन का मैकेनिज्म है उसके
उसके साथ ये डील करता है, जिससे एनर्जी रिलीज होती है और वो एनर्जी को ये लोग ट्रैप करके एटीपी की सिंथेसिस में कन्वर्ट कर लेते हैं प्लांट्स। फोटोसिंथेसिस ऑफ कोर्स टेक्स प्लेस विद इन द क्लोरोप्लास्ट इन द यूकैरियोट्स, वेयर एज द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स टू यील्ड एनर्जी टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म एंड इन द माइटोकॉन्ड्रिया ऑल्सो ओनली इन यूकैरियोट्स। फोटोसिंथेसिस ऑफ कोर्स क्लोरोप्लास्ट के साथ में होती है यूकैरियोट्स में, जहाँ पे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होता है, मतलब कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स टूटते हैं जिससे एनर्जी निकलती है साइटोप्लाज्म में और माइटोकॉन्ड्रिया में, और ये सारी प्रोसेस यूकैरियोट्स में ही होती हैं। द ब्रेकडाउन ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स थ्रू ऑक्सीडेशन विद इन द सेल्स लीडिंग टू रिलीज ऑफ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। जब कभी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के कार्बन कार्बन बॉन्ड्स टूटते हैं तब एक अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है कुछ अमाउंट में, जिसे हम लोग रेस्पिरेशन कहते हैं, और कार्बन कार्बन बॉन्ड जब टूटते हैं तब ऑक्सीडेशन होता है सेल्स में। मतलब कि हम इसे ऐसे कह सकते हैं, सेल्स में जब कभी भी ऑक्सीडेशन होता है तब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के कार्बन कार्बन बॉन्ड्स टूटते हैं, जिससे कुछ अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है, और इस प्रोसेस को हम लोग रेस्पिरेशन कहते हैं। द कंपाउंड्स दैट आर ऑक्सीडाइज ड्यूरिंग दिस प्रोसेस आर नोन एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स। जो भी कंपाउंड्स ऑक्सीडाइज होते हैं इस प्रोसेस के दौरान उन्हें रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स कहते हैं। यूजुअली कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑक्सीडाइज टू रिलीज एनर्जी, बट प्रोटीन्स, फैट्स एंड इवन ऑर्गेनिक एसिड्स कैन बी यूज एज रेस्पिरेटरी सब्सटेंसेज इन सम प्लांट्स अंडर सर्टेन कंडीशंस। ज़्यादातर तो कार्बोहाइड्रेट्स का यूज किया जाता है, उन्हीं को वही ऑक्सीडाइज होते हैं जिससे एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन प्रोटीन, फैट्स और यहाँ तक कि ऑर्गेनिक एसिड्स का भी यूज़ कर लिया जाता है एज अ रेस्पिरेटरी सब्सटेंस कुछ प्लांट्स में कुछ कंडीशंस में। ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन विद इन अ सेल ऑल द एनर्जी कंटेंट इन रेस्पिरेटरी सब्सटेंस इज नॉट रिलीज फ्री इन टू द सेल और इन अ सिंगल स्टेप। ऑक्सीडेशन के दौरान जितनी भी एनर्जी जो रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट्स में प्रेजेंट होती है वो डायरेक्टली या फिर फ्रीली सेल में रिलीज नहीं की जाती, ना ही सिंगल स्टेप में। इट इज़ रिलीज्ड इन अ सीरीज ऑफ स्लो स्टेप वाइज रिएक्शंस कंट्रोल्ड बाय एंजाइम्स एंड इट इज़ ट्रैप्ड एज केमिकल एनर्जी इन फॉर्म ऑफ एटीपी। इसे रिलीज किया जाता है स्लो स्टेप वाइज रिएक्शंस में सीरीज में, जिसे एंजाइम्स कंट्रोल करते हैं, और ये ट्रैप्ड होती है एनर्जी एज अ केमिकल एनर्जी एटीपी के फॉर्म में। Hence, it is important to understand that the energy released by oxidation respiration is not or rather can't be used directly, but is used to synthesize ATP, which is broken down whenever and wherever energy needs to be utilized. इसीलिए हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो भी एनर्जी ऑक्सीडेशन के थ्रू रिलीज होती है रेस्पिरेशन में, उसे हम लोग डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, उससे हम लोग एटीपी की सिंथेसिस करते हैं ये प्लांट्स, जो कि फिर वो टूटता है जब कभी भी जहाँ कहीं भी हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, फिर उससे ये एनर्जी हम लोग यूज करते हैं। हेंस एटीपी एक्ट एज द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, और इस तरीके से एटीपी एक्ट करता है एज ए एनर्जी करेंसी सेल के लिए। दिस एनर्जी ट्रैप्ड इन एटीपी इज यूटिलाइज्ड इन वेरियस एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेसेस ऑफ द ऑर्गेनिजम्स एंड द कार्बन स्केलेटन प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज यूज एज प्रिकर्सर फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ अदर मॉलिक्यूल्स इन द सेल। ये जो एनर्जी ट्रैप्ड होती है एटीपी में, इसे यूज किया जाता है कई सारी एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेसेस में ऑर्गेनिम्स की, और जो भी कार्बन स्केलेटन प्रोड्यूस्ड होता है रेस्पिरेशन प्रोसेस के द्वारा, उसे यूज किया जाता है एज अ प्रिकर्सर बायोसिंथेसिस के लिए सेल्स की दूसरे मॉलिक्यूल्स के कि बायोसिंथेसिस के लिए एज अ प्रिकर्सर यूज किया जाता है कार्बन स्केलेटन को, जो कि रेस्पिरेशन के थ्रू प्रोड्यूस्ड होता है। थैंक यू, बाकी का नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे।